बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आज हमारे किचन में बन रही है बॉनफायर पाए। ये पाए बनती है हमारी बनानास और टॉफ़ी से मिलके। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। ठंडी ठंडी आप इसको सर्व करें और इंजॉय करें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉनफायर पाए बनाने के लिए हमें चाहिए 5 केले, 1 कप विपी विप क्रीम, या आप अगर नॉर्मल क्रीम यूज़ कर रहे हो हैवी तो फिर आप 2 कप्स आपको चाहिए होंगे। उसके साथ मैं यहाँ पे इनोवेटिव के डाइजेस्टिव बिस्किट यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड के यूज़ कर सकते हो। मैं इधर 24 बिस्किट्स यूज़ कर रही हूँ। और उसके साथ हमें चाहिए 1 टेबल स्पून मेल्टेड बटर। पाए की जो टॉफ़ी है उसको बनाने के लिए हमें चाहिए 1/2 कप शुगर, 2 टेबल स्पून बटर और 1 कप क्रीम का, या एक पैक जो 200 ml का ये हमें चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो 1/2 कप चीनी है ये हम सॉस पैन के अंदर ऐड करेंगे और इसको हमने थोड़ी देर हिलाना नहीं है, इसको कैरामलाइज करना है, हमने इसका कैरेमल बनाना है। 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। अब ये जो बिस्किट्स हैं ये मैं ऐड कर दूंगी सारे के सारे चॉपर के अंदर। उनको अच्छी तरह चॉप करके इनका कॉम्बर फॉर्म बना लेंगे। अब इसके साथ ये 1 टेबल स्पून बटर, थोड़ा सा ज्यादा डाल देंगे। देखें शुगर अब थोड़ी सी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई। भाई इस पॉइंट पे हम इसको हल्का सा हिलाएंगे। अगर हिला देंगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं होना, जो चीनी है वो चिपक जाती है। ये देखें अब कैरेमल बनना हल्का सा स्टार्ट हो गया। अब ये सारी चीनी जब मेल्ट हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमारा 2 टेबल स्पून बटर है वो। ये देखें जी सारी चीनी, हमने टॉफ़ी बनानी है बेसिकली। अब ये हो गया मेल्ट, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून बटर। अच्छी तरह इस पॉइंट पर आपने छोड़ना नहीं, इसको हिलाते जाना है, बिल्कुल लो से फ्लेम पे पकाना है इसको। हमारी टॉफी जले भी नहीं। अब बटर मिक्स हो गया तो अब बारी है क्रीम ऐड करने की। हमने इसके अंदर ये 1 पैक क्रीम ऐड कर दी। हमने इसको मुसलसल हिलाते जाना है, 1 मिनट के लिए भी छोड़ना नहीं है। वैसे ये टॉफ़ी कंडेंस मिल्क से भी बन जाती है, लेकिन मैंने सोचा कि हम होम मेड ही टॉफ़ी बना लेते हैं। कंडेंस मिल्क को आपको बेक करना होता है तो वो भी टॉफ़ी फॉर्म में आ जाता है। हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट। ये देखें जी हमारी टॉफ़ी रेडी हो गई है। ये देखें इस कंसिस्टेंसी में। ये अब मैं चूल्हे को करती हूँ बंद और इसको ठंडा होने के लिए एक बॉल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। ये देखें जी अब ये सारे जो बिस्किट्स हैं ये डिश के अंदर ऐड कर दूँगी, थोड़े से बचा लूँगी ऊपर की गार्निशिंग के लिए। और अब हम इसको बिल्कुल अच्छी तरह स्प्रेड करके अब हम इसको अच्छी तरह ग्लास से या किसी भी चीज़ से अच्छी तरह दबा के लेवल कर लेंगे डिश के अंदर सारे बिस्किट्स को, एक अच्छी सी लेयर बन जाए इसकी इक्वल सी। ये देखें जी हमारी बिस्किट की लेयर भी रेडी होगी। अब इसको हम रखते हैं साइड पे और अब हम बनाते हैं क्रीम। क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 बनानास लेंगे, उनको अच्छी तरह मैश कर लेंगे। अब ये जो 1 कप विपी विप क्रीम है ये मैं ट्रांसफ़र करूँगी बोल में। अब हम इसको बीट करेंगे 1 से 2 मिनट तक। ये थोड़ी सी ये देखें जी क्रीम हमारी विप हो गई है। अब अगर आप नॉर्मल क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो इस पॉइंट पे उसके अंदर फिर 1/4 कप जो है वो पिसी हुई चीनी ऐड कर लें। विपी विप क्रीम क्योंकि ऑलरेडी मीठी होती है और फिर हमने इसके अंदर बनाना और वो टॉफ़ी भी ऐड करनी है तो इसलिए ज़रूरत नहीं है।
अब मैंने ये जो दो केले मैश किए हुए ये ऐड कर दूंगी और उसके साथ ये टॉफी ठंडी हो गई है तो अब इसमें से मैं डाल दूंगी इसके अंदर 4 टेबलस्पून। ये टॉफी ऐड की है, अब हम इसको फिर एक दफा अच्छी तरह बीट करेंगे। चलें जी, अब हमारी सारी चीजें रेडी हैं। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे सबसे पहले क्रीम जो हमने बनाई है उसकी लेयर बिस्किट्स के ऊपर। बाद हम ऐड करेंगे अपने बनानास की एक लेयर लगा देंगे क्रीम के ऊपर। बनाना ऐड करने के बाद अब बारी है हमारा ये कैरेमल या टॉफी जो भी ये ऐड करने की, इसकी हम एक लेयर लगा देंगे क्योंकि बनाना वैसे गुजारने बहुत ही मुश्किल है। एक अच्छी सी लेयर लगा देंगे हम। ये देखिए जी, बनाना की लेयर लग गई और ये थोड़ा सा मैंने मिचा ली है कैरेमल बाद में ऊपर डालने के लिए। अब फिर से हम इसके ऊपर ये जो क्रीम बाकी बच गई है इसकी लेयरिंग कर देंगे। ये देखें जी, लेयर लग गई। अब ये जो बाकी हमने बिस्किट बचाए थे थोड़े से, अब इनको लगा लेते हैं। ये आपके अपने अकॉर्डिंग है, जिस तरह मर्जी आप इसको डेकोरेट करना चाह रहे हैं आप इसको गार्निश कर लें। अब बारी है इसके ऊपर ना कैरेमल ऐड करने की जो बचा लिया था मैंने थोड़ा सा। ये देखें जी, हमारी बॉनफायर पाई रेडी हो गई है। अब आप इसको फ्रिज में रखेंगे कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए कि एक तो सेट हो जाए और दूसरी ठंडी हो जाए। ठंडी का इसका मजा आता है और फिर उसके बाद इसको सर्व कीजिएगा। फिर मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।